नहीं पहुंच जाता। और इसके लिए उन्होंने संविधान मान स्तंभ का कार्यक्रम पूरे जिले में और हर एक जगह पर स्थापित किया। आजकल भी कुछ लोग हैं जो कल तक कहते थे कि संविधान बदलने के लिए वोट दे दो। उत्तर प्रदेश में आपने ऐसा सबक सिखाया है कि अब न भगवान का नाम ले रहे हैं न संविधान का नाम ले रहे हैं और माथा से ऐसे लगा कर शपथ लेने गए। तो वो जो पीडीए की लड़ाई अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में शुरू हुई थी उसने उत्तर प्रदेश में ही संविधान विरोधियों को इतना कमजोर कर दिया, इतना कमजोर कर दिया कि और तो छोड़िए अयोध्या हार गए। जिसके नाम पर पिछले 3 दशक में इस देश को राजनीति सिखाई और हम लोग जिस पाठशाला से निकले लोग हैं उसमें महात्मा कबीर को हम पढ़ते हैं, वो तो कहां ढूंढे रे बंदे मैं तो तेरे पास में। 15 अगस्त बीता है ना और सरकारी कार्यक्रम था हर घर तिरंगा हर हाथ तिरंगा था ना। तिरंगा तो तब से हमारे हाथों में है। इस देश के दलित पिछड़े आदिवासी अति पिछड़े तमाम तबके के लोग हमने बचपन में देखा है। तिरंगा खरीदने का पैसा नहीं हुआ करता था तो बांस की डंडी में सफेद पन्ना फाड़ कर लगाया, गुड़हल के फूल से उसको ऊपर के केसरिया रंग रंगा, हरी पत्ती से नीचे रंगा और उसको झंडे तिरंगा बनाकर गांव गांव घुमा करते थे। और जो लोग अंग्रेजों का साथ दे रहे थे और उनकी लड़ाई जंगे आजादी में शामिल नहीं थे अपने कार्यालय पर 52 साल तिरंगा नहीं फहराया, अब कह रहे हर हाथ तिरंगा और हर घर तिरंगा। और वही सर्टिफिकेट बांट रहे देशभक्ति का, तिरंगा तो दिल में है माथे पर है, अभियान चलाओ समाजवादियों, हर घर संविधान और हर घर संविधान, तब जाकर के इस देश को बचाना मुश्किल नहीं होगा और हम उस समाजवादी और अम्बेडकरवादी समाज और भारत बना पाए। कि जब आज मरहूम नेताजी जिनसे एक सबक मैंने लिया कि इंसाफ और इंसानियत सबसे बड़ी राजनीति का एक एजेंडा होता है, और उस समय सांप्रदायिकता की आग में जब देश को जलाया जा रहा था, 1990 के दौर में जब नेताजी मुख्यमंत्री थे, कुर्सी बचाने के लिए नहीं संविधान बचाने के लिए कानून तोड़ने वालों के खिलाफ ऐसी कार्रवाई की थी कि आज तक भी वो कार्रवाई इतिहास के स्वर्णिम अक्षरों में दर्ज है। इसलिए उनको कहा गया था, वो नारा आज भी सबसे प्यारा नारा बन करके निकलता है कि धरती और गगन में अब तक जिसका जलवा कायम है और जिसने कभी न झुकना सीखा उसका नाम मुलायम। और उस जमाने में नारा लगा कि मिले मुलायम का शेर, आगे और नहीं कहने की जरूरत, इशारे में समझ जाने की जरूरत। और जो गठबंधन डॉक्टर राम मनोहर लोहिया और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर 1956 में करना चाहते थे, जो गठबंधन आदरणीय नेताजी और महत्वाकांक्षी राम करना चाहते थे 1993 में जिसे तोड़ा गया जानबूझ, और जो गठबंधन 2019 में अखिलेश यादव जी ने किया, आज मुझे लगता है कि पीडीए के नाम पर उसी गठबंधन का नया पार्ट आ गया है और मंडल की लड़ाई और पूरे देश में जातिवार जनगणना और संविधान मान स्तंभ की स्थापना के साथ सबसे बुलंद ताकत बनकर उभरी है और देश की तीसरी सबसे बड़ी पार्टी। देवेश जी बैठे हुए हैं, सांसद हैं, इन लोगों ने जब शपथ ग्रहण किया तो नमो बुद्धाय जय भीम जय समाजवाद और जय संविधान का नारा इतना लग गया कि कुछ लोगों को परेशानी हो गई और नियम जारी किया है कि अब शपथ उतना ही लोगे जितना लिख के दिया जाएगा। बताइए सही बात है कि नहीं? जैसे ही समाजवादी लोग वहां पहुंचे नियम बदल गया। कल्पना करिए कि समाजवादी लोग जिस दिन दिल्ली की कुर्सी पर बैठेंगे आखिरी झोपड़ी में भी रोशनी पहुंचाने का काम ये समाजवादी लोग करेंगे। इसके लिए हम यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं। संचालन कर रहे विनय जी, आज समाजवादी पार्टी के देश के अब तक के सबसे शानदार कार्यक्रम जो इस देश की बुनियाद को मजबूत करने के लिए संविधान मान स्तंभ के स्थापना के रूप में पूरे देश का सबसे नायाब कार्यक्रम किसी पार्टी ने अगर आयोजित किया है
तो उस पार्टी का नाम है समाजवादी पार्टी। और आज कासगंज जिले में संविधान मान स्तंभ स्थापना के इस कार्यक्रम में आए हुए आप सभी लोगों को मेरा क्रांतिकारी जय भीम, जय मंडल, जय संविधान है, जय समाजवाद और इंकलाब जिंदाबाद है। आज हम सब लोग समाजवादी विचारधारा के लंबे इतिहास से रिश्ता रखने वाले लोग यहां इकट्ठा हुए कि आज ये देश किसी धर्म की किताब से, किसी जाति से, किसी मजहब से नहीं चलता। ये देश चलता है तो बाबा साहब अंबेडकर के संविधान से चलता है। और इस बार जब हम और आप खड़े हैं और एक चुनाव बीता है और फिर चुनाव आने वाले, चुनाव इस बात के लिए लड़े जा रहे थे कि हमको इतनी सीटें मिल जाएं कि हम बाबा साहब अंबेडकर के संविधान को बदल दें। बताइए ये सही है कि गलत है? बताइए वो चुनाव लड़ रहे थे कि नहीं कि संविधान बदलना है इसलिए इतनी सीटें चाहिए? जोर से बताइए, उनका एजेंडा साफ था कि नहीं? क्योंकि वो जो भारत बनाना चाहते हैं, मुट्ठी भर लोगों का भारत, उसके सामने सबसे बड़ी बाधा अगर कोई है तो बाबा साहब अंबेडकर का संविधान है। इसलिए वो कहते थे कि अब की जीतेंगे तो संविधान बदल देंगे। मगर मैं शुक्रिया अदा करता हूं पूरे देश के संविधान को पसंद करने वाले बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के विचारों को अपने दिल में रखने वाले डॉक्टर राम मनोहर लोहिया के समाजवाद को अपने सीने से लगाए रखने वाले इस देश के उन तमाम लोगों ने देश को अंधकार में जाने से बचाया है और संविधान की हिफाजत की है। इसके लिए 2024 के चुनाव को याद किया जाएगा। और तो और, बाकी सब हारे सांसद जी बैठे हुए हैं, बहुत वैचारिक व्यक्ति हैं, और ये जब एटा से सांसद चुन के गए हैं तो ऐसे लोगों को हराया है जो लोग कभी हार का स्वाद नहीं देखे रहे होंगे, मान के चलते रहे होंगे कि हम तो जीत ही जाएंगे। तो वो जो पीडीए की लड़ाई अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में शुरू हुई थी, उसने उत्तर प्रदेश में ही संविधान विरोधियों को इतना कमजोर कर दिया, इतना कमजोर कर दिया कि और तो छोड़िए, अयोध्या हार गए, बाकी सब छोड़ दीजिए, जिसके नाम पर पिछले 3 दशक में इस देश को राजनीति सिखाई। और हम लोग जिस पाठशाला से निकले लोग हैं उसमें महात्मा कबीर को हम पढ़ते हैं, मोको कहां ढूंढे रे बंदे मैं तो तेरे पास में। भगवान तो दिल में हुआ करता है, जो भगवान को मानने वाला है वो दिल में मानेगा। भगवान राजनीति का विषय नहीं होते, भगवान वोट मांगने की विषय नहीं होते। और ये पैगाम अयोध्या ने दिया है, उत्तर प्रदेश ने दिया है कि किसी भगवान के नाम पर नहीं, अगर चुनाव लड़के वोट मांगना है तो अपने काम के नाम पर वोट मांगो, ना कि भगवान के नाम पर वोट। और इसलिए चुनाव तो हो गया और उत्तर प्रदेश को इसका श्रेय देना है। पूरे देश में इस देश को अगर अंधकार में जाने से किसी ने रोका है तो उत्तर प्रदेश ने रोका है और समाजवादियों के पीडीए ने रोका है। इस बात को आपको गांव गांव पहुंचाने की जरूरत है, पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक। और समाजवादियों के पास एक ऐसा नेतृत्व है, वो नेतृत्व एक युवा नेतृत्व है। और अभी सांसद जी जब बोल रहे थे या प्रदेश अध्यक्ष जी बैठे हुए, जिलाध्यक्ष जी बात कर रहे थे मेरी नौकरी जाने की, हम लोगों का वैचारिक रिश्ता तो समाजवादी विरासत के लंबा रहा है, अंबेडकर को मानने वाले, लोहिया को मानने वाले लोगों से एक रिश्ता रहा है। लेकिन जब हमारी नौकरी चली गई, छीन ली गई, तो मैं जब लौटा और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के सामने पड़ा तो उन्होंने कहा कि जाओ अब शेर की तरह आजाद हो गए, अब ये उसूलों की लड़ाई को पूरे देश और समाज में आगे बढ़ाने की जरूरत है। और ऐसी लड़ाई लड़ने की जरूरत है कि किसी एक लक्ष्मण यादव की नौकरी रहे या जाए, कोई एक लक्ष्मण यादव प्रोफेसर बने या न बने, इससे ज्यादा बड़ा सवाल यह है कि इस देश के 90% पीडीए के लोग देश में प्रोफेसर, डॉक्टर, इंजीनियर, वकील और जज बने कि नहीं बने, इसके लिए हम आपके बीच में यहां पर आए हुए। और इसलिए
जब पीडीए का नारा दिया गया तो वो नेतृत्व जो युवा नेतृत्व आदरणीय अखिलेश यादव जी का है, जिसने बाबा साहब अंबेडकर के साथ डॉक्टर राम मनोहर लोहिया के संविधान को, समाजवाद को एकजुट करके एक मिशन आपके बीच में सौंपा है समाजवादी लोगों, और उस मिशन के तहत आप भी ये बात समझेंगे। चुनाव के बीच में इस इलाके में भी मैं घूमा और पूरे चुनाव को बहुत करीब से देखा, क्योंकि मुझे पता है कि जब मोहल्ले में आग लगी हो तो इस बात का इंतजार नहीं किया करते कि आग की लपट आपके घर तक पहुंचेगी, तब बाल्टी लेकर बुझाने दौड़ेंगे। गांव में जब गेहूं का खेत था उस समय सिंचाई कटाई का समय था, गेहूं की फसल सूखी हुआ करती थी, तो हमने एक बात समझाई कि जब गेहूं की फसल में गलती से आग लग जाए तो गांव वाले इस बात का इंतजार नहीं करते कि अभी तो फलाने के गांव खेत में आग लगी, हमारे में तो लगेगी नहीं। तो गांव में जब खेत गेहूं का पका होता है और उसमें आग लग जाए तो क्या वो मेड़ पहचानती है क्या? क्या वो मालिक का नाम जाति धर्म देखती है क्या? जब आग लगती है तो जाति और धर्म नहीं देखती। जब तक बाबा साहब का संविधान गांव गांव और घर घर नहीं पहुंच जाता, और इसके लिए उन्होंने संविधान मान स्तंभ का कार्यक्रम पूरे जिले में और हर एक जगह पर स्थापित किया। आजकल भी कुछ लोग हैं जो कल तक कहते थे कि संविधान बदलने के लिए वोट दे दो। उत्तर प्रदेश में आपने ऐसा सबक सिखाया है कि अब न भगवान का नाम ले रहे हैं न संविधान का नाम ले रहे हैं, और माथा से ऐसे लगाकर शपथ लेने गए। अब देखिएगा, समझिएगा, एक चुनाव में ऐसा सबक सिखाया कि संविधान को माथे से लगाए। 15 अगस्त बीता है ना, और सरकारी कार्यक्रम था हर घर तिरंगा हर हाथ तिरंगा, था ना? तिरंगा तो तब से हमारे हाथों में है। इस देश के दलित, पिछड़े, आदिवासी, अति पिछड़े, तमाम तबके के लोग हमने बचपन में देखा है, तिरंगा खरीदने का पैसा नहीं हुआ करता था तो बांस की डंडी में सफेद पन्ना फाड़ कर लगाया, गुड़हल के फूल से उसको ऊपर के केसरिया रंग रंगा, हरी पत्ती से नीचे रंगा, और उसको झंडा तिरंगा बनाकर गांव गांव घुमा करते थे। और जो लोग अंग्रेजों का साथ दे रहे थे और उनकी लड़ाई जंगे आजादी में शामिल नहीं थे, अपने कार्यालय पर 52 साल तिरंगा नहीं फहराया, अब कह रहे हैं हर हाथ तिरंगा और हर घर तिरंगा, और वही सर्टिफिकेट बांट रहे हैं देशभक्ति का। मैं यहां से एक सूत्र दे करके जा रहा हूं, तिरंगा तो दिल में है, माथे पर है, अभियान चलाओ समाजवादियों, हर घर संविधान और घर घर संविधान, तब जाकर के इस देश को बचाना मुश्किल नहीं होगा और हम उस समाजवादी और अंबेडकरवादी समाज और भारत बना पाएंगे। और संविधान का मतलब क्या है, आज ये कार्यक्रम हो जाएगा, बड़ी मेहनत से हुआ, और अखिलेश यादव जी के पीडीए का पैगाम क्या है? पैगाम यही है कि जब कोई भी मंच बने तो एक ही जाति के दो लोगों से ज्यादा उस मंच पर बैनर पोस्टर में ना हो, अलग अलग जाति बिरादरी के लोग अगर बैनर पोस्टर और मंच पर नहीं है तो फिर यह समाजवादी मंच नहीं है। सही है कि गलत है ना भाई? और जोड़ने का काम है, तोड़ने के रास्ते तो हजार यहां पर। एक बार मैं छोटा था, अंगूर खरीदने गया तो पिताजी ने कहा कि जाओ अंगूर खरीद के ले आओ। मैं सस्ता अंगूर खरीदने के चक्कर में 10 रुपया किलो अंगूर ले आया। पिताजी ने पूछा कि ये कितने रुपए किलो? मैंने कहा 10 रुपए किलो। उन्होंने कहा दूसरा अंगूर कैसे था? मैंने कहा वो महंगा था, वो 20 रुपए किलो था। कहे क्यों? मैंने कहा कोई अंतर नहीं था, एक गुच्छे में था और एक टूटा हुआ था। पिताजी ने कहा कुछ बात समझ में आई? मैंने कहा नहीं। उन्होंने उस दिन जो कहा था मुझे आज समझ में आता है कि अगर टूट कर बिखरे रहे तो औने पौने दाम पर बेचे खरीदे जाओगे, और गुच्छे में एकजुट रहोगे तो हमेशा ऊंची कीमत रहेगी और ताकतवर माने जाओगे। जो समाज एक जाति का बन जाए, जो पार्टी, और ये तो समाजवादी पार्टी का मंच है, आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष जी बैठे हुए हैं, अगर इस चुनाव में संविधान बचाने में कामयाबी समाजवादियों ने हासिल की है तो इसलिए हासिल की क्योंकि पीडीए का केवल नारा नहीं दिया था, पीडीए का टिकट वितरण किया था, और ऐसा सतरंगी टिकट वितरण किया था कि अच्छे अच्छे लोगों के पसीने छूट गए, और ऐसा पसीना छूटा कि अब तो उनके घर में झगड़ा हो रहा है कि कौन किसको हटा दे।
लेकिन 27 का चुनाव इम्तिहान बनकर के आपके सामने आया। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया कहा करते थे कि सन सोपा ने बांधी गांठ, पिछड़ा पावे 100 में 60। उस नारे को समाजवादी लोगों ने आगे बढ़ाया कि 100 में 90 शोषित हैं, शोषितों ने ललकारा है, धन धरती और राजपाट में 90 भाग हमारा है और 10 का शासन 90 पर नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। तो ये जो पीडीए है, ये वही इस देश के कमेरा लोगों की एकजुटता का परिचायक है, ये अखिलेश यादव का एक मिशन है। और हमारे जैसे लोग जो विचारधारा की लड़ाई लड़ते रहे, बाबा साहब अंबेडकर की, डॉक्टर लोहिया की लड़ाई लड़ते रहे, आज समाजवादी मंच पर इसलिए खड़े होकर के आंख में आंख डाल करके जालिम सरकार के सामने निडर और बेखौफ खड़े हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि आज समाजवादियों के हाथ में संविधान है और डॉक्टर लोहिया और डॉक्टर अंबेडकर का एक रिश्ता बन गया है और उस रिश्ते के नाते हमारी विचारधारा 90% लोगों के एक करने की। और समाजवादी विचारधारा का अर्थ किसी जाति के खिलाफ तो है भी नहीं, क्योंकि यही समाजवादी विचार है। प्रदेश अध्यक्ष जी सहमत होंगे कि जब आज मरहूम नेताजी, जिनसे एक सबक मैंने लिया कि इंसाफ और इंसानियत सबसे बड़ी राजनीति का एक एजेंडा होता है, और उस समय सांप्रदायिकता की आग में जब देश को जलाया जा रहा था, 1990 के दौर में जब नेताजी मुख्यमंत्री थे, कुर्सी बचाने के लिए नहीं, संविधान बचाने के लिए कानून तोड़ने वालों के खिलाफ ऐसी कार्रवाई की थी कि आज तक भी वो कार्रवाई इतिहास के स्वर्णिम अक्षरों में दर्ज है। इसलिए उनको कहा गया था, वो नारा आज भी सबसे प्यारा नारा बन करके निकलता है कि धरती और गगन में अब तक जिसका जलवा कायम है और जिसने कभी न झुकना सीखा उसका नाम मुलायम है। तो वो मुलायम सिंह का नाम क्यों मुलायम है और क्यों आज तक अमर है? क्योंकि सांप्रदायिकता की लड़ाई के सामने समाजवादी परचम लेकर वो खड़े थे और उस जमाने में नारा लगा कि मिले मुलायम कांशीराम, आगे और नहीं कहने की जरूरत है, इशारे में समझ जाने की जरूरत है। और जो गठबंधन डॉक्टर राम मनोहर लोहिया और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर 1956 में करना चाहते थे, जो गठबंधन आदरणीय नेताजी और माननीय कांशी राम करना चाहते थे 1993 में, जिसे तोड़ा गया जानबूझकर, और जो गठबंधन 2019 में अखिलेश यादव जी ने किया, आज मुझे लगता है कि पीडीए के नाम पर उसी गठबंधन का नया पार्ट आ गया है और मंडल की लड़ाई और पूरे देश में जातिवार जनगणना और संविधान मान स्तंभ की स्थापना के साथ सबसे बुलंद ताकत बनकर उभरी है और देश की तीसरी सबसे बड़ी पार्टी। देवेश जी बैठे हुए हैं, सांसद हैं, इन लोगों ने जब शपथ ग्रहण किया तो नमो बुद्धाय, जय भीम, जय समाजवाद और जय संविधान का नारा इतना लग गया कि कुछ लोगों को परेशानी हो गई और नियम जारी किया है कि अब शपथ उतना ही लोगे जितना लिख के दिया जाएगा। बताइए सही बात है कि नहीं? जैसे ही समाजवादी लोग वहां पहुंचे नियम बदल गया। कल्पना करिए कि समाजवादी लोग जिस दिन दिल्ली की कुर्सी पर बैठेंगे, आखिरी झोपड़ी में भी रोशनी पहुंचाने का काम ये समाजवादी लोग करेंगे। इसके लिए हम यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं और ज्यादा समय न लेकर के, क्योंकि प्रदेश अध्यक्ष जी को हम सुनना चाहते हैं, गर्मी बहुत है और बहुत लंबे भाषण और तकरीर की जरूरत नहीं है, सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं। मेरी कोशिश है कि सूरत बदलनी चाहिए, मेरे सीने में नहीं तेरे सीने में सही, वो कहीं भी आग लेकिन आग जलनी चाहिए। एक कार्यक्रम के बहुत अच्छे भाषण और माला फूल से समाजवादियों का परचम दिल्ली में बुलंद होगा क्या? इस परचम को, इस ऊर्जा को लेकर अपने विधानसभा और ब्लॉक में, तहसील में और गांव में जब तक नहीं पहुंच जाएंगे, और जो दलित समाज के लोग, अति पिछड़े समाज के लोग, आप उनके सामने जाइए तो बड़ा भाई छोटा भाई मन बंद बंद कर जाइए, भाई बनकर जाइए और कंधे से कंधा मिला कर जाइए, तब देखिए कि कैसे समाजवादियों की सरकार बनेगी। इसलिए थोड़ी आलोचना सुननी और सहनी पड़ेगी, अगर कोई आलोचना करे तो सुनिएगा। फहद भाई ने शेर पढ़ा, मैं भी एक शेर पढ़ता हूं, और इसमें पैगाम है, जोड़ने के लिए कितनी मुश्किल होती है, तोड़ने के लिए तो दुनिया तैयार बैठी है कि ओबीसी को ओबीसी से लड़ा दो, समाजवादियों को समाजवादी से लड़ा दो, इनको उनसे लड़ा दो,
लेकिन जोड़ना बहुत मुश्किल काम होता है, आग लगाना बहुत आसान है, आग बुझाने में बहुत मुश्किल होती है। मैं आपसे केवल गुजारिश कर रहा हूं कि अगर आपकी आलोचना इस सामाजिक पायदान में कोई पीछे रह गया व्यक्ति आपकी आलोचना करे तो दिल बड़ा करके स्वीकार करना, और अगर आप लाठी में दम रखते हो तो अपनी लाठी उस पर चलाओ जो आपसे ताकतवर है, जो कुर्सी पर बैठा हुआ है और आपके बच्चों का हक लूट रहा है। मैं यहां बुलाया गया हूं प्रदेश अध्यक्ष जी और जिला अध्यक्ष जी ने बोला है तो क्यों बोला है, क्योंकि मैं आंकड़ा बताऊंगा कि आज आजादी के 77 साल बीत गए, 78वां गणतंत्र दिवस मनाया, स्वतंत्रता दिवस मनाया गया, तो जिसकी आबादी मंडल कमीशन में 52% थी, अहीर कुर्मी कोयरी तमाम राजभर निषाद मल्लाह जातियां, हाथ से श्रम करने वाली जातियां जिनकी आबादी मंडल कमीशन ने बताई कि 52% है, और 2019 में जब मैंने आईटीआई लगाई तो पता चला देश के केंद्रीय विश्वविद्यालयों में एक भी प्रोफेसर ओबीसी नहीं है। ये कड़वा सच्चाई आपसे कहने आया, आपके प्रोफेसर बने नहीं, जज बने बैठे हैं सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट में। पिछले 7-8 साल में 80% जजों की नियुक्ति केवल थोड़े से लोगों से हुई, और जो 80% आबादी के लोग हैं उनके जज आज भी नहीं है सुप्रीम कोर्ट में। पता है एक ओबीसी जज है सुप्रीम कोर्ट में, एक दलित है, आदिवासी एक भी नहीं है। तो जो जज होगा वो देश चलाएगा कि जिसका ठेला खींचने पर मजबूर कर दिया गया, जो ई रिक्शा चलाने पर मजबूर है, जो हम और आप यहां सम्मेलन कर रहे हैं तो किसी खेत में मजदूरी करने को मजबूर है, किसी फैक्ट्री में मजबूरी करने को मजबूर है, उसे तो पता ही नहीं कि संविधान खतरे में कैसे है। और जो पढ़े लिखे लोग थे उन्होंने समाज के साथ वो रिश्ता बनाया नहीं। मनवर कांशी राम कहते थे पे बैक टू सोसाइटी, और वो पे बैक टू सोसाइटी करने का वक्त आज समाजवादियों आपके कंधे पर आया है कि अगर आपको पता है कि संविधान से हमें हक और सम्मान मिला है, बराबर की कुर्सी मिली है। मरहूम नेताजी जिस समय समाजवादियों की लड़ाई लड़ रहे थे, मानवर कांशी राम लड़ाई लड़ रहे थे, तो खटिया पर भी बैठने के लिए जाति देखी जाती थी। बताओ सही है कि गलत है? बिल्कुल सही। और कितने साल पुरानी बात है, 20-30 साल पहले की बात है। और जाति देख करके घोड़ी कौन चढ़ेगा, आजाद हो गया है भारत, आजादी का नारा लग रहा, मूछ आजाद हुई क्या, तालाब का पानी आजाद हुआ कि पानी देखो कौन किसकी जाति का पी रहा है, और जितेंद्र मेघवाल को मार दिया और वो बच्चा मर गया। बताओ वो घोड़ी आजाद हुई क्या कि दलित के परिवार का बच्चा अगर घोड़ी चढ़ करके जाएगा तो आज भी मारा जा रहा है कि नहीं मारा जा रहा है। और तो और छोड़ो, समाजवादियों इस इतिहास को यहां से कहने और बताने की जरूरत है, जिसके पिताजी मुख्यमंत्री रहे हो, जो विदेश में पढ़ाई पढ़ के आए हो, जिन्होंने जाति के नाम पर 5 साल सरकार नहीं चलाई 2012 से 2017 तक, एक्सप्रेसवे बनाया तो किसी जाति के लिए नहीं, मेट्रो चलाई किसी जाति के लिए नहीं, लैपटॉप बांटा, पढ़ाई बांटी, एम्बुलेंस दिया और पुलिस का सिस्टम दिया तो एक जाति के लिए नहीं, लेकिन जब उनकी सरकार गई तो उनके मुख्यमंत्री आवास को गंगा जल से धुलाकर अपमान करने का काम क्यों किया गया, बताओ। बहुत बढ़िया, ये सवाल हमारे और आपके दिल में आग की तरह जूझना चाहिए कि नहीं। उनके दिल में अगर नफरत है तो बाबा साहब और लोहिया के मानने वालों के दिल में मोहब्बत होनी चाहिए। हम किसी से नफरत नहीं करेंगे, हम कहेंगे कि जिसके जितनी संख्या है उसका उतना हिस्सा हो और हमारा जितना हक है उतना हमारा हो। इसलिए जातिवार जनगणना इस समय समाजवादियों सबसे पहली मांग है। संविधान मान स्तंभ को गांव गांव पहुंचाइए और ये नारा लगाइएगा कि जिसके जितनी संख्या भारी उसके उतनी हिस्सेदारी। हमारे प्रोफेसर नहीं, हमारे जज नहीं, टीवी आप बैठ के देखते हैं, अखबार आप रोज सुबह पढ़ते हैं, बताओ मीडिया में कोई पत्रकार आपका है क्या? ये किसान का मेरा जातियों का कोई पत्रकार बड़ा बना क्या? देश वो चला रहे, उद्योगपति नहीं है तो कैसे होगा? क्योंकि हमारे लोग तो सावन में कोई और काम में बिजी हो जाते हैं। अब इससे ज्यादा यहां नहीं कहूंगा, राजनीतिक मंच है, प्रदेश अध्यक्ष जी बैठे, लेकिन मैं कह रहा हूं सावन बीत जाए तो जब भादो आए तो खोजना, स्कूल तुम्हें भी चाहिए, नौकरी तुम्हें भी चाहिए, रोजगार तुम्हें भी चाहिए। इसलिए शिक्षा और रोजगार बचाने की लड़ाई ही बाबा साहब के संविधान को बचाने की लड़ाई, कलम और किताब बचाने की लड़ाई समाजवादियों की लड़ाई है। और इसलिए समाजवादियों नारा लगा करता था एक जमाने में, प्रदेश अध्यक्ष जी जानते होंगे, देवेश जी जानते होंगे, सांसद जी,
एक जमाने में नारा लगा करता था, जो जमीन को जोते बोए वो जमीन का मालिक होए, राष्ट्रपति का बेटा हो या चपरासी की हो संतान, टाटा बिरला गरीब का बेटा, सबको शिक्षा एक समान, शिक्षा पर जो खर्चा हो बजट का दसवां हिस्सा हो, सबको शिक्षा सबको काम, वरना होगी नींद हराम, और सबको शिक्षा दे न सके जो वो सरकार निकम्मी है, और जो सरकार निकम्मी है वो सरकार, यही संविधान बचाने का सबसे बड़ा सूत्र है। और 27 में ऐसे लोगों की सरकार चाहिए जो आपके बच्चों की शिक्षा और रोजगार की बात करे। केवल यही कह के मैं विदा लूंगा, इतनी गर्मी में इतना पसीना बहाकर अगर हम लोग इतने बड़े कार्यक्रम को कर रहे हैं, प्रदेश अध्यक्ष पूरे प्रदेश में घूम रहे हैं, और जब से तीसरी सबसे बड़ी पार्टी बनी है, सबसे बड़ा जिम्मेदारी, अभी आदरणीय सांसद जी जब बोल रहे थे तो बताए ना कि भाई देश कैसे चलेगा इसकी नीति बनाने के लिए उनको जिम्मेदारी दी गई, और फिर भी हर सांसद हर विधायक और जिलाध्यक्ष को जिम्मेदारी दी गई है कि संविधान मान स्तंभ की स्थापना करिएगा। जरा हाथ उठाकर बताइए कितने लोगों के घर में संविधान है। नहीं, पहले पूरा सवाल सुन लीजिए, पूजने के लिए नहीं पढ़ने के लिए, संविधान है। अगले बार जितने लोग फूल माला लेके आए और तस्वीर लेके आए, अरे आप तस्वीर क्या देंगे रानी अवंती बाई लोधी की, हमने जब इतिहास पढ़ा तो हमने ये पाया कि जिस जमाने में लोग सती हो जाते थे, जौहर हो जाते थे, 26 साल की एक वीरांगना हाथ में तलवार लेकर अपनी जनता को बचाने के लिए मैदान में खड़ी हो गई। उन वीरांगना अवंती बाई लोधी जी को कल ही मैंने उनका परसों वीडियो बना के कल जब डाला, और 16 अगस्त को उनके जन्मदिन के दिन, तो मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूं कि तस्वीर आप भेंट करते हैं बहुत अच्छी बात है, हम ले जाएंगे उन तस्वीरों, लेकिन मेरा अगर निवेदन माने तो समाजवादियों 2 साल आपके पास मौका है। जगदेव बाबू को, बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा को, महामना रामस्वरूप वर्मा को, संत गाडगे को, बाबा साहब अम्बेडकर को, महात्मा फूले को, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया को, और उसके बाद रानी अवंती बाई लोधी से लेकर के तमाम नायिकाएं और महा और वीरांगना फूलन देवी तक को, इनका इतिहास गांव गांव पढ़िए और छोटी छोटी पाठशाला चलाइए, अपने बच्चों को शिक्षा दीजिए कि तुम्हारा इतिहास क्या है, और तब वर्तमान में उसको पता चलेगा कि उसका छीना क्या जा रहा है। वरना कोई आएगा और कहेगा धर्म खतरे में, बचाने जाओ, अग्रह मंत्री का बेटा धर्म बचाने जाएगा, बताओ जाएगा? और हमारे आपके बच्चों, नहीं भाई, स्कूल खतरे में है और शिक्षा खतरे में, रोजगार और सबसे बड़ा बाबा साहब का संविधान खतरे में है, इससे ज्यादा और कोई चीज खतरे में नहीं है। संविधान एक दिन से नहीं बचेगा, क्योंकि संविधान के विरोध में वो ताकतें हैं जो 100 साल से संविधान के खिलाफ खड़ी है। नाम लेने की जरूरत है क्या? जोर से बोलिए, नाम लेने की जरूरत है कि संविधान का विरोध किसने किया था? 1942 में भारत की आजादी की लड़ाई का विरोध किया, भारत का संविधान जब बाबा साहब अम्बेडकर बना रहे थे उस समय विरोध किया, जब तिरंगा बन गया तो हमारे यहाँ भोजपुरी में कहावत है उसको कह के विरोध किया कि इसमें तो 3 रंग हैं, और हमारे यहाँ कहा जाता है 3 तिगाड़ा काम बिगाड़ा, ये शुभ नहीं है। बताओ जो रंग को देख करके तिरंगे को कहे कि वो शुभ नहीं है और तिरंगे का विरोध करे, आज वो राष्ट्रभक्त हो गया। और समाजवादियों, आपसे बड़ा राष्ट्रभक्त कौन था जो उन जालिमों के सामने कमजोर पड़ गया? कमजोर पड़ने की जरूरत है क्या? डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जब भारत आजाद हुआ और अपनी सरकार के खिलाफ नहर रेत आंदोलन में कूद गए, जिसमें पहली बार 13-14 साल की उम्र में मरहूम नेताजी जेल चले गए थे, लोहिया जी से पूछा किसी ने कि अब तो आपकी सरकार है, आप क्यों आंदोलन कर रहे हैं? ये नए यूथ जो है, मैं उनको ट्रेनिंग देने के लिए ये बात कहना चाह रहा हूं, उनको ट्रेनिंग देने के लिए उन्होंने कहा, सरकार किसी की भी हो, गरीब कमजोर को आंसू बहेगा तो समाजवादी सड़कों पर लाठी खाने के लिए तैयार रहेगा। और मैंने इसलिए कहा था, जितना फोटो खिंचवाने जितना ताकत आपका यहां है, मैं ये भी जानता हूं कि कोरोना से लेकर आज तक सबसे ज्यादा मुकदमा अगर किसी के ऊपर हुआ है तो समाजवादी कार्यकर्ताओं के ऊपर, जितना लाठी झेला, जितना मुकदमा झेला, झूठा मुकदमा झेला, और तो और अभी गोमती नगर में पानी भर गया तो जिस प्रदेश का मुख्यमंत्री कह रहा है कि वहां बहुत सारे अपराधी आए, 2 अपराधी का नाम लिया, एक जाति का और एक धर्म का, बाद में पता चला दोनों वहां थे ही नहीं, बताइए पता है कि नहीं?
तो जब चुनाव होगा, अभी चुनाव में कहा जा रहा है कि उनकी ड्यूटी मत लगाओ। अब समझ रहे हैं आपकी लड़ाई किससे है? जब लड़ाई तोप और तलवार से हो तो तीर और धनुष से नहीं लड़ी जा सकती। लड़ाई अगर सत्य और न्याय की है तो बाबा साहब संविधान जो दे गए हैं उसको हाथ में लेकर के, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया के समाजवाद को हाथ में लेकर के 27 तक संविधान का पाठ गांव गांव कराने की जरूरत है। हर घर में हर थाली में साथ बैठकर खाने की जरूरत है। गांव में अगर कोई हिंदू मुसलमान के नाम पर लड़ाए, किसी मुसलमान की टोपी और दाढ़ी देखकर कोई दंगा करने आए तो हिंदू बनकर अगर आप सामने खड़े नहीं हुए, किसी दलित के सामने अगर कोई जातिवाद करने आए और पिछड़े समाज के लोगों अगर आप चट्टान बनकर सामने खड़े नहीं हुए, किसी महिला के साथ अन्याय अत्याचार हो तो पुरुषों के नाते आप जिम्मेदारी लेने सामने खड़े नहीं हुए, तो मैं नहीं मानूंगा कि आप समाजवादी हैं। क्योंकि डॉक्टर लोहिया ने सबक सिखाया है 7 क्रांति का, अपने भाई के ऊपर अन्याय हो तो सबसे पहले सीना तान कर खड़े हो जाना, तब वो अपने दुख दर्द में आपको अपना मानेगा। और मैं ये जानता हूं कि समाजवादी ऐसा करते हैं। अब अगले 3 साल आपका और इम्तिहान होगा, और झूठे मुकदमे डाले जाएंगे और आपको लड़ाया जाएगा, आपके बीच में नफरत के बीज बोए जाएंगे। याद रखना समाजवादियों, मंदिर मस्जिद की लड़ाई हमारी लड़ाई नहीं है, हमारी लड़ाई कलम और किताब की लड़ाई है, शिक्षा और रोजगार की लड़ाई है। इसलिए माननीय नेताजी ने जो सबक सिखाया है उसे बचाने की जिम्मेदारी हमारी है। वो अपने हिस्से की लड़ाई लड़ गए, अब हमारे हिस्से की लड़ाई हमें लड़नी। और इसलिए मैं केवल ये कहना चाहता हूं कि जो आज सीढ़ी जिससे चल के हम लोग आए हैं, वो सीढ़ी हमारी आंखों के सामने तोड़ी जाए तो उसको बचाना हमारी जिम्मेदारी है कि नहीं? जिस सीढ़ी का फायदा हमने लिया है उसको बचाना हमारी जिम्मेदारी है। इसलिए हाथ उठाकर संकल्प करिए कि क्या गांव गांव तक संविधान मान स्तंभ के विचारधारा को ले जाएंगे कि नहीं ले जाएंगे? जोर से बोलिए, ये गांव गांव संविधान बचाने की लड़ाई जाएगी कि नहीं जाएगी? गांव गांव पीडीए की लड़ाई ले चलेंगे कि नहीं ले चलेंगे? और समाजवादी परचम को बुलंद करिएगा, और इसी उम्मीद के साथ कि 2027 में, अभी तो एक उपचुनाव आने वाला है, उसके बाद असली चुनाव आने वाला है, और जब वो परचम फहराया जाए तो संविधान बचाने वाले जीते और बाबा साहब अम्बेडकर डॉक्टर राम मनोहर लोहिया के सपनों का भारत बनाने का सपना लेकर जो राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी चल रहे हैं, उस सपने को पूरा करना हमारी जिम्मेदारी है। हमें यकीन है कि उस सपने को हम मिलकर पूरा करेंगे। इसी उम्मीद के साथ आप सबको क्रांतिकारी सलाम। जय भीम, जय समाजवाद, इंकलाब जिंदाबाद।